हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ऑफिशियल चैनल में। और दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्ते, जोहार, हमारा नाम अंजलि है। और ये प्यारी भाभी जी हैं, आप में से तो बहुत लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये हमारे सनातन भैया की धर्मपत्नी जी हैं, है ना। तो दोस्तों, यहीं पे आए हुए हैं धनबाद, तो इनका घर तो धनबाद में है। तो चलिए, ऐसे तो हम लोग सबको झारखंड से ही है। हाँ, तो दोस्तों, आज रोहन का आज क्या बोलते हैं ये दिन है, रोहन त्योहार नहीं होता, ये एक नियम होता है जो गांव देहात में मनाई जाती है ना। तो बाकी अभी सुबह सुबह बढ़िया तरह से एकदम घर आंगन को पूरा एकदम लीप दिए हैं गोबर से, पूरा एकदम चकाचक लग रहा, देखिए पूरा एकदम मस्त लग रहा दोस्तों घर। और आप में से तो बहुत सारे लोग ये जो बैकग्राउंड है दोस्तों, ये बैकग्राउंड को देख करके तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे क्या एकदम मस्त लग रहा दोस्तों। खपरा का घर है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए यहाँ लोग डांस वगैरह का वीडियो बनाते थे, काफ़ी पॉपुलर था ये जगह, देखिए कितना सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड। गांव में, गांव देहात में अगर खपरा का घर ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, गांव फिर गांव नहीं कहलाएगा ना। तो अभी सुबह सुबह का समय है, पूजा पाठ इन लोग करेंगे अभी। और बाकी इधर दीदी जी ये देखिए मस्त तरीके से इधर मछली फ्राई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं और सनातन भैया भी गए हुए थे ना, तो हम लोग साथ में आए हुए हैं, हम साथ में आए हुए हैं। और ये कौन सा मछली हमें भी नहीं पता, नहीं आपको भी नहीं पता, बस खाने जानते हैं, पहचाने नहीं जानते हैं, बड़ा मछली हो बस बस ना। इसमें बहुत सारा वैरायटी है, कौन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है। सच बताया तो उसमें मुँह पानी आने लगा। सब होता है खाना पीना में। तो चलिए आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा सा इनका जो घर द्वार होता है वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को। तो पहले वो इधर घर था ये साइड में, तभी वो घर नहीं है, ये शायद उजाड़ दिए हैं। और बाकी भैया का देखिए, इधर धनु है MT-15, ये बाइक काफ़ी प्यारा बाइक है भैया जी का, क्या ही मतलब मस्त लग रहा दोस्तों, काफ़ी है बढ़िया बाइक। इधर साइकिल वगैरह इधर रखा हुआ है, और इधर बारी वगैरह है, इधर थोड़ा दिखा रहे हैं भाभी जी, इधर पूरा फटाफट काम कर रहे हैं। और इधर इन लोग अपना वाशरूम बनाए हुए हैं दोस्तों, ये वाला नहाने धोने वाला है, लेकिन ये बहुत मतलब इस तरीके से बनाया गया है, आपसे लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं को आइडिया आ जाता देख करके ना। ये देखिए ये चपाकल है, चपाकल के ही मतलब चारों तरफ घिरा हुआ है, घर बना दिए हैं नहाने का, अगर लाइट नहीं रहा तो हिला करके पानी भरते हैं टब सब में, ठीक है, भरा हुआ टब सब में नहाने वहाने के लिए मस्त है। बाकी इधर नज़ारा लोकेशन दिखा रहे हैं बारी साइड का, देखिए इधर मस्त, इधर हम लोग का ही जैसा है, मतलब गांव देहात तो हर जहाँ जन सेम सेम होता है, लेकिन ये केवार सब बहुत अच्छा केवार है, दरवाज़ा सब पहले लगाया हुआ था वो मिट्टी वाला घर सब में ना, काफ़ी अच्छा है। बाकी इधर वाशरूम वगैरह है, ये साइड में बनाए हुए हम लोग जैसे बनाए ना वैसे इन लोग भी बनाए, ये वाला देखिए, इधर भी एक बैकग्राउंड वाला घर आ गया, देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है ये भी घर। चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है अभी, फिर हम भी घर निकलेंगे दोस्तों जल्द ही, क्योंकि रिया जी तो हमारे साथ है नहीं, थोड़ा काम से आ गए थे। और दोस्तों इनका सेटअप में आ चुके हैं, आप में से तो बहुत सारे लोग इनका सेटअप को पहचान रहे होंगे, देखिए कितने सारे सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्डन प्ले बटन, काफी एकदम मस्त तरीके से सजाया गया है, ले जाए। तो देखिए इधर एक मिरर लगा हुआ है, तो ये देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, देखिए दिखा रहे हैं और एक बार, ये देखिए मस्त लग रहा है ना, काफी मजा आ रहा है ना, अरे वाह क्या ही मस्त लग रहा है। भैया इधर बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं और आके यहाँ मजे से टाइल्स में बैठे हुए हैं दोस्तों, देहाती लोग को मजा आता है ये टाइल्स में बैठना, वार्तालाप कर रहे बैठे बैठे। हाँ, और ये फैनी का प्यार देखिए, वाह क्या लाइफ है यार, है ना, कितना मतलब वैसे भी जो जानवर में सबसे जो वफादार जो माने जाते हैं दोस्तों डॉग को ही मानते हैं, ये मालिक के प्रति मतलब इतना वफादारी निभाते हैं ना कि अपना जान को गवा करके अपना मालिक को बचाते हैं, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिला है ना। हाँ, वो तो हमेशा रियल लाइफ में मूवी में तो दिखाता ही है, जानवर में सबसे वफादार डॉगी होते हैं बहुत। अभी सुबह हम लोग कोई उठे नहीं थे, हाँ एक आंटी आई थी गोबर, वो अभी ये देखिए क्या इधर मस्त लग रहा दोस्तों, हम भी इधर बैठे हुए टाइल्स में, काफी मजा आ रहा है। और सबसे ज्यादा मस्त तो फैनी को लग रहा है, ये हैप्पी को लग रहा है, काफी बिचारे का प्यार मिल गया ना। अच्छा, उतना दिन से आप लोग घर में थे, हाँ, बिचारे तब से दो तीन दिन तो, हाँ, तब से बिचारे के देखने को नहीं मिला है अभी। अरे जितना फैनी को प्यार मिलता है ना, मत पूछिए, उतना भाभी जी को प्यार करते हैं।
नहीं से और भी और एक जो डॉग था ना वो मतलब तुलना नहीं क्या लगता है क्या जा सकता है सब अपने जगह अपने जगह पे सब है लेकिन आपका जगह जो दिल में हमारी वो उस आपके जगह नहीं इसका जो है सबका एक अलग अलग पार्ट बटा रहता है ना तो इनका जगह पार्ट में ये लेकिन फिर भी देखते हैं ना कि बहुत लोग ना बहुत प्रेम करते हैं डॉग से जानवर से हमें भी है हम भी सोच रहे हैं कि एक डॉग पाल लें क्योंकि सेफ्टी के लिए सही होगा क्योंकि मेरा घर जो है पक्का जगह में ना ऐसे बोला तुम्हारी तरफ भी दिख रहा है आपको ले जा हैप्पी जी चलिएगा मेरे साथ जाना है अभी जल्दी दिन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे लेके आइए ना फैमिली मेंबर लेके जाएंगे है ना ना लेकिन बहुत बढ़िया होता ना पहले बात है कि अगर कुत्ता रखेगा ना घर में तो कोई बच्चा आएगा नहीं सेकंड बार आदमी डरेगा रही है करो कुत्ता और हमेशा कुत्ता रखेंगे ना कि आदमी डरेगा एक बार मैंने दो कुत्ता रखा बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये वाला खरीद के स्ट्रीट डॉग भी पाल सकते हैं तो स्ट्रीट डॉग भी मैंने पाला था देखे होंगे अच्छा डॉग में सबसे सबसे बढ़िया कौन सा होता है जैसे कि वो सेफ्टी के पर्पस से हमको दिखावा नहीं करना सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया देखा जाए ये है ठीक है ये क्योंकि जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो छोटा छोटा कुत्ता रखते हैं वो क्या ही रखें यार बेकार का वो नहीं है वो सिर्फ आपके साथ खेलने के लिए तो हम तो इसके साथ भी खेल सकते हैं यार ऐसा बात थोड़ा ना इसी को बनाएंगे रखने के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारे जो लोग होते हैं इसी को आप रूम में भी बंद अभी सब मिल रहे तो अच्छा है इसी को यदि रूम में बंद कर लॉक कर और देखिए दोस्तों बात ये ना कि देखिए हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं और हम लोग अगर रखेंगे ना मतलब कि डॉगी तो लोग कमेंट करेगा ये देख रहे ये डॉग रख लिया तो आप लोग भी कमेंट करके सजेस्ट करिएगा कि डॉगी पालना सही रहेगा या तो फिर नहीं रहेगा अगर पालना रहेगा तो कौन सा ब्रीड ले कमेंट आएगा गाय पालो गाय है ही इनके पास वो भी है तो वो क्या बोलते हैं ना वो साझा वाला गाय है मतलब कि उसको चराते हैं उनके पास ज्यादा गाय थी ना तो वो गाय रिसेंटली दे दिया है ना चलो अच्छा बात है ना तू बोल तो नहीं पाएगा ये कि अपना रहना चाहिए हाँ गार्ड के लिए का कोई भी आगे हमला कर देगा तो सेफ्टी संभालेगा ना आके मैं अभी क्या ही मस्त सच में ले जा इसी को नहीं नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा बड़ी होगी नहीं संभालता ले लेंगे छोटा मिलेगा तो ठीक होता है काफी मजा आ रहा दोस्तों बात विचार करते हुए ये तो रूम में अपना मेरे पैसे से पूरा कंप्लीट थोड़ी हुआ था बहुत लोग डोनेट किए थे हमको पैसा वो रूम बनाने के लिए तब जाके वो मिला के मैंने ये रूम बनाया था इस सेट का नंदन प्यारा काफी देखो ऊपर में कितने सारे लाइट लगे हुए हैं आप सभी लोग दिखा रहे हैं देखिएगा तो जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना वो देखिए एक गो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो आठ गो बहुत सारे डांस वांस वीडियो बनाते हैं ना तो लाइटिंग कमी पड़ जाती है इसीलिए वो लाइट इतना सारा लगाया तो चलिए और लाइट कम हो जाता है हाँ दिखाते आगे क्या क्या होता है माछेर भात बनेगा फिर खा के जाएंगे हाँ माछेर गांव का भाषा माछेर बोलते हैं मछली फिश करी बन रहे भाभी जी बना रहे उधर ठीक है फिर तो दोस्तों हमारी खाना पीना हो चुकी है बढ़िया तरह से और अभी इधर भाभी जी बैठे हुए हैं थोड़ा सा चिंतित लग रहे हैं का है वही छोड़ के जा रहे अच्छा कोई बात नहीं है फिर आएंगे उतना आप लोग प्यार दिए इतना ही किया और आप लोग हाँ थोड़ा सा भी टाइम इधर नहीं रह रहे भैया जी चले फैनी को लेकर के घुमाने के लिए काफी धूप लेकिन बढ़ा दिया ना हवा नहीं बह रहा मतलब कुकु ही लग रहा ज्यादा मतलब थोड़ा देर बाद देखना कुछ घंटा के बाद फिर हवा चलने लगेगा तो दोस्तों काफी मजा आया काफी मजा किए साथ में घूमे फिरे गाँव वगैरह वगैरह सारा चीज इधर उधर थोड़ा घूमे फिरे दिखाए काफी मजा आया तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट कीजिए अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए भाभी जी पुरा दिए बाय जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय।